हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योत्सना स्टडी जोन। आज हम 8 अगस्त 2021 को हुई TGT की संगीत वादन विषय की आंसर की देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्णतः संगीत में वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो पूर्णतः संगीत में वेद सामवेद है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी। जमजमा किस वाद्य पर बजाया जाता है, तबला, सितार, पखावज या ढोलक। तो जमजमा सितार पर बजता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, पागलदास, निजामुद्दीन औलिया, कबीरदास या हरिदास। तो अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। 4 क्वेश्चंस, यह तबले पर नहीं बजता, इसमें से क्या है जो तबले पर नहीं बजता ये बताना है आपको। तो पेशकारा, कायदा, गमक या तिहाई। तो तबले पर गमक नहीं बजता है या गायन में प्रयोग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्गाता किस गान से संबद्ध है, टप्पा, साम, ध्रुपद या ख्याल। तो उद्गाता साम गान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, राग आसावरी का वादी स्वर क्या है, राग आसावरी का वादी स्वर धैवत है। प्रसिद्ध वंदे मातरम रचना किस राग पर आधारित है, पीलू, भैरवी, भैरव या देश। वंदे मातरम रचना देश राग पर आधारित है। नारायण मोरेश्वर खरे शिष्य थे पंडित भातखंडे के, पंडित पलुष्कर के, मल्लिका अर्जुन मंसूर के या सवाई गंधर्व के। तो ये पंडित पलुष्कर के। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी ताले हैं, 5, 2, 7 या 9। तो कर्नाटक ताल पद्धति में 7 ताले होती हैं, सभी जानते हैं इसको, सप्तसुलादी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित कंठी महाराज का संबंध किस वाद्य से है, सितार, शहनाई, सारंगी या तबला। तो पंडित कंठी महाराज का संबंध तबला वाद्य से है। औड़व जाति में कितने स्वर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि औड़व जाति में 5 स्वर होते हैं। घरानों की नींव किस काल में पड़ी, भरत काल, राजपूत काल, मौर्य काल या ब्रिटिश काल। घरानों की नींव राजपूत काल में पड़ी। तबला किस वर्ग का वाद्य है, अवनत, घन, शुशिर या तत। तबला अवनत वर्ग का वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 14, राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, रेधा, गामा, मापा या पाधा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गामा। गंधार और मध्यम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है, बेतिया घराना, बेगूसराय घराना, मोतिहारी घराना या डुमराव घराना। तो बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना बेतिया घराना है। क्वेश्चन नंबर 16, अचल स्वर कितने हैं, 7, 5, 2 या 4। सभी जानते हैं कि अचल स्वर 2 होते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन शुद्ध गांधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं, मध्यम, तीव्र मध्यम, कोमल गा या शुद्ध रे। तो प्राचीन शुद्ध गांधार को आधुनिक में कोमल गा कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से अचल स्वरों के नाम क्या है। देखिए अभी ऊपर उन्होंने स्वर पूछा कितने होते हैं, अभी वो उनके नाम भी पूछ रहा है। तो यहाँ बताने तो आप सभी जानते होंगे कि अचल स्वर सा, पा, षड्ज और पंचम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 12, 11, 16 या 9। तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती हैं। राग मधुवंती में ऋषभ व धैवत कोमल करने पर किस राग की स्वरावली प्राप्त होती है, मुल्तानी, मालकोंस, पूरिया धनेश्री या पूरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुल्तानी। कि राग मधुमंती में जब ऋषभ और धैवत को कोमल कर देते हैं तो मुल्तानी स्वरावली हमें प्राप्त होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 21 क्वेश्चन,
सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 8 या 7? सप्तक में 7 स्वर होते हैं। द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? अहोबल, शारंगदेव, आचार्य भरत या मतंग? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मतंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राग तरंगिणी के लेखक कौन हैं? लोचन, मतंग, भरत मुनि या अहोबल? राग तरंगिणी के लेखक लोचन हैं। वाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? सरसप्रिया, अख्तरप्रिया, प्रेमप्रिया, सुघरप्रिया। तो वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तरप्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25, गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना किसने की? पलुस्कर ने, भातखंडे ने, ओमकार नाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना पलुस्कर जी ने की। गजझंपा ताल में कितने विभाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? गजझंपा ताल में 4 विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ती गद्दी गण किस ताल से संबंधित है? झप ताल, दादरा ताल, चार ताल या तीव्रा ताल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चार ताल होगा। 28 क्वेश्चन, सारणा प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया? 3, 2, 4 या 5? सारणा प्रक्रिया में भरत ने 2 वीणाओं का प्रयोग किया, चल वीणा और अचल वीणा का। क्वेश्चन नंबर 29, पा रे गा रे नी धा नी धा नी रे सा स्वर समूह किस राग से है? यमन, शुद्ध कल्याण, बिलावल या बिहाग? तो यह स्वर समूह यमन राग से राग का है। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ क्या होता है? स्वरों की उच्च अवस्था, स्वरों की निम्न अवस्था, स्वरों की मध्य अवस्था, स्वरों की मूल अवस्था। तो वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ स्वरों की उच्च अवस्था होता है। राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? 5, 6, 8 या 2? तो सभी को पता है कि 5 स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। अलंघन प्रकार है अल्पत्व, बहुत्व, अल्पत्व तथा बहुत्व दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलंघन बहुत्व का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 33, श्रुतियों की संख्या कितनी होती है? 12, 22, 20 या 15? इन्होंने कुल श्रुतियों की संख्या पूछी हुई है, ना कि कुछ बताया हुआ है कि किन के अनुसार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 22। क्वेश्चन नंबर 34, आसावरी राग में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? रे गाधा, गाधानी, रे नी गा या गानी रे? तो आसावरी राग में गाधानी स्वर कोमल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है? कांसी कान्हड़ा, मेघ, चरचू या रामदासी? तो मेघ, चरचू और रामदासी तीनों ही राग मल्हार के प्रकार हैं, लेकिन कांसी कान्हड़ा नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाए। सितार में कितने तार होते हैं? 7, 5, 4 या 3? सितार में 7 तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को क्या कहते हैं? मसीद खानी, रजा खानी, फिरोज खानी या ख्याल? तो सितार पर द्रुत गत में, द्रुत लय में बजाने वाली गत रजा खानी गत है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रातःकालीन राग कौन सी है? दरबारी, कल्याण, हमीर या जौनपुरी? तो प्रातःकालीन राग इनमें से जौनपुरी राग है। गाधानी कोमल युक्त ठाट है, काफी, भैरव, कल्याण या आसावरी? तो आसावरी गाधानी कोमल युक्त ठाट है। राग भीम पलासी का वादी व संवादी स्वर क्या है? मा सा, सा पा, रे धा या गानी? तो इसका सही आंसर मा सा हो जाएगा। राग भीम पलासी का वादी और संवादी स्वर मा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, उत्तर भारतीय संगीत में कुल कितने विकृत स्वर हैं? 4, 5, 6 या 7? आप सभी जानते हैं कि 5 विकृत स्वर होते हैं। भरत ने कितने ग्राम माने हैं? 2, 4, 3 या 5? भरत ने 2 ग्राम माने हैं, षड्श ग्राम और मध्यम ग्राम। क्वेश्चन नंबर 43, मिज़राब का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है? सरोद, सितार, वायलिन या तबला, सॉरी तानपुरा?
तो मिज़राब का प्रयोग सितार के साथ होता है, सितार में होता है। 44 क्वेश्चन, जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? संकीर्ण राग, छायालग राग, परमेल प्रवेशक राग या विकृत राग? तो जयजयवंती परमेल प्रवेशक श्रेणी का राग है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राग में नी स्वर का केवल एक रूप प्रयोग होता है? खमाज, अड़ाना, बहार या सोहनी? तो सोहनी राग जो है इसमें नी स्वर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 46, शहनाई किस वर्ग का वाद्य है? तत्, घन, अवनत या शुशिर? शहनाई शुशिर वर्ग का वाद्य है। निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से संबंधित कलाकार नहीं है? उस्ताद अहमद जान थिरकवा, पंडित निखिल बनर्जी, अली अकबर खां या आशीष खां? तो पंडित निखिल बनर्जी, अली अकबर खां, ये तो मैहर घराने से संबंधित हैं, लेकिन उस्ताद अहमद जान थिरकवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग प धानी धापा मा ग मा रे सा स्वर संगति किस राग से है? काफ़ी, देश, खमाज या अलहिया बिलावल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, खमाज होगा। गुलू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? तबला, सितार, बांसुरी या मृदंग? गुलू सितार वाद्य से संबंधित है। राग दरबारी कानरा किस थाट के अंतर्गत माना गया है? काफ़ी, आसावरी, भैरव या खमाज? राग आसावरी, राग दरबारी आसावरी के अंतर्गत माना गया है। क्वेश्चन नंबर 51, रजा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है? तीन ताल, झप ताल, एक ताल या चार ताल? तो ये तीन ताल में बजाई जाती है। ताल गत झंपा में कितनी ताली होती है? तीन, चार, दो या पाँच? ताल गत झंपा में तीन ताली होती है और एक खाली होती है। राग ललित किस थाट का राग है? काफ़ी, भैरव, मारवा या भैरवी? तो राग ललित मारवा थाट का राग है। क्वेश्चन नंबर 54, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है? 15वीं, 17वीं, 16वीं या 20वीं? तो मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, पंडित किशन महाराज किस वाद्य से संबंधित हैं? सितार, तबला, शहनाई या सरोद? तो किशन महाराज तबला वाद्य से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 56 क्वेश्चन, चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तीन, चार, छः या आठ? जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, चतुरंग में चार अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रजा खानी गत में कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं? दार दार दा, दार दार दारा, द्रा या दिर दिर दिर? तो रजा खानी गत में दार दार दा निश्चित बोल होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58, संगीत में कुल स्वर होते हैं, कुल स्वर की बात कर रहे हैं ये, सात, आठ, दस या बारह? संगीत में कुल स्वर 12 होते हैं। कर्नाटकी संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं? कनकांगी, खरहर प्रिय, शुभ पंतु वराली या इनमें से कोई नहीं? तो कर्नाटक संगीत में शुद्ध सप्तक को कनकांगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है? भैरव, अहिर भैरव, नट भैरव या कलिंगड़ा? तो नट भैरव को हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहते हैं? आवर्तन, ठेका, चक्र या चक्करदार? तो इसे आवर्तन कहते हैं। राग में आविर्भाव से क्या अभिप्राय है? राग का आरंभ, राग का आत्मीय प्रदर्शन, राग की पुनः स्थापना, राग का आध्यात्मिक प्रदर्शन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राग की पुनः स्थापना होगा। पंडित बलराम पाठक किस वाद्य के वादक थे? सितार, तबला, बांसुरी या वायलिन? पंडित बलराम पाठक सितार वादक थे। क्वेश्चन नंबर 64, दिर्दा दिर्दा रा दादा रा बोल किस गत से प्रयोग होता है, किस गत में प्रयोग होता है? रजा खानी, फिरोज खानी, मशीद खानी या द्रुतलय? द्रुत गत, तो ये बोल मशीद खानी गत में प्रयोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 65, तानसेन के गुरु कौन थे? शारंगदेव, जयदेव, ओमकारनाथ ठाकुर या स्वामी हरिदास? सभी जानते हैं कि स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। किस राग में गा एवं नी महत्वपूर्ण स्वर है? भूपाली, केदार, बिहाग या भैरव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहाग। घुंघरू किस वर्ग का वाद्य है? तत्, अवनत, सुशीर या घग? तो घुंघरू घन वाद्य का वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 68, भैरवी थाट आधारित राग है भटियार, मालकौंस, आनंद भैरव या दरबारी? तो भैरवी थाट मालकौंस राग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 69, वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9-13 का, 3-2 का, 9-12 का या 13-6 का? तो वादी और संवादी के मध्य 9-13 का श्रुति अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 70, राग दरबारी का वादन समय क्या है? प्रातःकाल, सायंकाल, अपराह्न या मध्यरात्रि? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मध्यरात्रि हो जाएगा। 71 क्वेश्चन, सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर आधारित है? 17वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 15वीं पर या 14वीं पर? सड़ज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित है। ग मा धा धा पा ग मा रे रेसा स्वर समूह किस राग से है? नट भैरव, अहिर भैरव, भैरव या आनंद भैरव? तो ये भैरव से संबंधित है, भैरव स्वर समूह का राग है। क्वेश्चन नंबर 73, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? सरोद वादन, ख्याल वादन, कथक नृत्य या तबला वादन? तो इनका संबंध कथक नृत्य से है। निम्नलिखित में से 14 मात्रा की ताल है, 3 ताल, झप ताल, धमार ताल या सुन ताल? धमार ताल 14 मात्रा की है, 3 ताल 16 मात्रा की, झप ताल 10 मात्रा की, सूल ताल भी 10 मात्रा की और धमार ताल 14 मात्रा की ताल है। अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, मतंग, विष्णु नारायण भातखंडे या शारंगदेव? तो इसके इस पुस्तक के लेखक विष्णु नारायण भातखंडे हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जिन तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? सपाट तान, कूट तान, मिश्र तान या फिरत तान? तो उन्हें कूट तान कहा जाता है। राग खमाज की जाति क्या है? संपूर्ण संपूर्ण, षाडव संपूर्ण, औडव संपूर्ण या औडव औडव? इसका सही आंसर षाडव संपूर्ण होगा। ब्रह्मताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 24, 20 या 28? तो ब्रह्मताल में 28 मात्रा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सा रे गा पा धा सा का संबंध किस राग से है? यमन, बिलावल, भोपाली या खमाज? तो इसका संबंध भोपाली राग से है। हारमोनियम एक है तत्ववाद, अवनद्यवाद, सुषिरवाद या घनवाद? तो हारमोनियम एक सुषिरवाद्य है। क्वेश्चन नंबर 81, मध्य सप्तक के सड़ज की आंदोलन संख्या क्या है? 260, 240, 280 या 320? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 240 होगा। 240 ये सड़ज की आंदोलन संख्या है मध्य सप्तक की। क्वेश्चन नंबर 82, सड़ज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं? 7, 5, 4 या 9? सड़ज ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। इस तरह से सड़ज, मध्यम और ग्राम इन तीनों की जो है 7 मूर्छनाएं होती हैं, कुल मिला के 21 मूर्छनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों में मिलाया जाता है, पा सा सा सा, ग पा सा 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 या म धा सा सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा औड़व जाति का राग नहीं है? भूपाली, खमाज, कलावती या दुर्गा? खमाज औड़व जाति का राग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समुदाय तोड़ी अंग को दर्शाता है? रेगा रेसा, मा रे रे पा,
धानी रेसा या पागामा रेसा। तो रेगा रेसा तोड़ी समुदाय को, तोड़ी अंग को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 86, उठान किस घराने की विशेषता है? पंजाब, बनारस, अजराना या लखनऊ। उठान बनारस घराने की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 87, पंचम सवाड़ी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 15, 10 या 14। आप सभी को पता है 15 मात्राएं होती हैं। मसीद खानीगत किस लय में बजाई जाती है? द्रुत लय, विलंबित लय, मध्य लय या अति विलंबित लय। तो मसीद खानीगत विलंबित लय में बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, पूर्वांग प्रधांग राग है भूपाली, देश राग, हिंडोल या बसंत। पूर्वांग प्रधान राग भूपाली है। क्वेश्चन नंबर 19, संगीतांजलि के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा, अहोबल, ओंकार नाथ ठाकुर या जयदेव, या ठाकुर जयदेव। सही आंसर ऑप्शन सी, ओंकार नाथ ठाकुर है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर क्या है? पा, सा, रे या मा। तो सा यानी सड़ज मूलभूत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं? 10, 12, 20 या 7। सभी को पता है कि 10 थाट होते हैं उत्तर भारतीय संगीत में। क्वेश्चन नंबर 93, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? शारंग देव, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास या भरत। तो इसके सही आंसर भरत, भरत जी जो है नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बागेश्री में गांधार, शुद्ध व पंचम वर्जित करने पर कौन सा राग बनेगा? मारवा, रागेश्री, हमीर या कल्याण। तो बागेश्री में गांधार, शुद्ध व पंचम वर्जित करने पर रागेश्री राग बनेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम श्रुति का क्या नाम है? रोहिणी, उग्रा, तीव्रा या मंदोवती। तो प्रथम श्रुति का नाम तीव्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मियां मिल्हार का थाट है खमाज, पूर्वी, कल्याण या काफ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काफ़ी। नेक्स्ट, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं? 5, 7, 10 या 9। तो 10 आश्रय राग होते हैं। किस थाट में रे घा धा कोमल तथा मा तीव्र है? आसावरी, पूर्वी, खमाज या तोड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 99, नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? कंप विस्तार पर, आवृत्ति पर, सहायक नाद पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाद की तारता आवृत्ति पर निर्भर करती है, और नाद की तीव्रता अगर पूछता तो वो कंप विस्तार हो जाता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 100, राग मालकौंस का वादी व संवादी स्वर क्या है? पासा, मासा, गानी या सामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासा। क्वेश्चन नंबर 101, पंडित रविशंकर किस घराने के हैं? सेनिया, पटियाला, मैहर या ग्वालियर। तो पंडित रविशंकर मैहर घराना के हैं। प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ हैं पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, एम एस सुबुलक्ष्मी या पंडित भीमसेन जोशी। प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ एम एस सुबुलक्ष्मी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 103, धमार ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 2, 5 या 4। धमार ताल में 4 विभाग होते हैं। गजहंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 15, 16 या 18। तो 15 मात्रा गजहंपा ताल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 105, चतुर सारणा पद्धति में कितने सोपान हैं? 4, 5, 2 या 7। तो चतुर सारणा पद्धति में 4 सोपान हैं। नेक्स्ट, राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है? रेधा, गानी, गाधा या मानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाधा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा स्वर अर्धदर्शक के नाम से जाना जाता है? सा, मा, नी, रे। तो मा स्वर मध्यम स्वर अर्धदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक में चिन्ह है, इसमें से कौन सा चिन्ह है? तो आप जानते हैं कि
विष्णु दिगंबर पद्धति स्वरलिपि पद्धति में स्वरों के ऊपर खड़ी पाई खींची जाती, तो इस प्रकार ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, कौन से राग का स्वर समान है? भैरव यमन, भोपाली देशकार, आसावरी खमाज या पीलू बिलावल? तो भोपाली और देशकार के जो है स्वर समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, बृहदेशी के लेखक कौन है? लोचन, भरत मुनि, व्यंकट मुनि या मतंग मुनि? बृहदेशी के लेखक मतंग मुनि हैं। तीन ताल की नौवीं मात्रक को क्या कहते हैं? सभी को पता है, तब रटा हुआ है कि तीन ताल की नौवीं मात्रा को खाली कहते हैं। राग भोपाली किस थाट का राग है? कल्याण, बिलावल, आसावरी या पूर्वी? राग भोपाली कल्याण थाट का राग है। निम्न में से कौन सा रे व धा कोमल युक्त राग है? भैरव, भीम पलासी, शुद्ध कल्याण या भोपाली? तो भैरव राग कोमल युक्त राग है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है? मारू बिहाग, बसंत, परज या केदार? तो राग बसंत का प्रयोग किया जाता है। राग यमन किस थाट से संबंधित है? पूर्वी, आसावरी, कल्याण या तोड़ी? यमन थाट कल्याण से संबंधित है, कल्याण राग। शारंगी किस वर्ग का वाद्य है? तत्, अवनद्य, घन या शुशेर? शारंगी तत्वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 117, सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं? रजा खानी, मसीद खानी, फिरोज खानी या ख्याल? तो विलंबित गत को जो सितार पर बजती है उसे मसीद खानी गत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राग परिचय, प्रणव भारती, गीतांजलि या राग विबोध? प्रणव भारती पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने लिखा। उदात, अनुदात और स्वरित के लिए कौन सा क्रम सही है? नीचा मध्यम ऊंचा, ऊंचा मध्यम नीचा, ऊंचा नीचा मध्यम या नीचा ऊंचा मध्यम? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऊंचा नीचा मध्यम। उदात, अनुदात और स्वरित का सही क्रम ऊंचा नीचा और मध्यम है। क्वेश्चन नंबर 120, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? कुंभा, जयदेव, मतंग या सोमनाथ? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर है इसका जयदेव। क्वेश्चन नंबर 121, सदा रंग एवं अदा रंग किसके दरबारी गायक थे? अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीले या सुल्तान हुसैन शर्की? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के सदा रंग और अदा रंग गायक थे। क्वेश्चन नंबर 122, थाट कल्याण से उत्पन्न राग है? बागेश्री, भैरव, केदार, भीम पलासी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बागेश्री। नेक्स्ट, सितार के पहले तार को किस स्वर में मिलाया जाता है? मंद्रमा, पा, नी या सा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तंत्र वाद्य की चौकी अथवा घुड़ज पर क्या होती है? मिलान, ट्यूनिंग, मसाला या जवारी? तो जवारी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, रागांग राग पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा रागांग राग नहीं है? तोड़ी, भैरव, भैरवी या दरबारी कान्हड़ा? दरबारी कान्हड़ा रागांग राग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी संगीत वादन विषय की आंसर की, जो कि 8 अगस्त को ये परीक्षा हुई थी TGT की, संगीत वादन, उसकी ये आंसर की रही। ये आंसर की वास्तविकता पर आधारित है, जो कि पुस्तकों में मिलती हैं आंसर्स, उसके आधार पर है। जब ऑफिशियल आंसर की आती है तब मालूम चलेगा कि उन्होंने, बोर्ड ने कौन सा आंसर सही माना है, कौन सा गलत माना है। तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसकी भी मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए आप इसे अपने क्वेश्चन से मैच कीजिए कि ये आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। उस हिसाब से मैं कट ऑफ को बताने की कोशिश करूँगी आप सबको कैटेगरी के वाइज। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।